बहुत दिनों पहले की बात है, एक शहर की ओर जाने वाले रास्ते के किनारे एक सराय खाना था। उस रास्ते से शहर जल्दी पहुंचा जा सकता था, परंतु उस रास्ते पर कम लोग ही आते जाते थे। कारण यह था कि उस रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। कभी कभी हिंसक पशु रास्ते पर चलने वालों पर आक्रमण कर देते थे, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए प्राण भय से लोग उस रास्ते से शहर जाने में हिचकिचाते थे। जिन्हें जरूरी या जल्दी होती थी, वे ही उस रास्ते से जान को हथेली पर लेकर शहर जाते थे। उस सड़क पर अधिक आवागमन नहीं था, इसलिए सराय खाने में बहुत कम लोग आते थे। सराय खाने का मालिक अक्सर बैठकर मक्खी मारा करता था। सराय खाने का मालिक अच्छा आदमी था, उसका हृदय दया का सागर था। सराय खाने में आने वालों से वह बहुत अच्छा व्यवहार करता था, उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं करता था। सराय खाने में रहने खाने के उपरांत अगर किसी के पास पूरा पैसा नहीं होता था, तब भी वह कभी उसके साथ खराब व्यवहार नहीं करता था। अनेक गरीब वहां आते थे, वे सब जब समय पर उचित पैसा नहीं दे पाते, तब सराय खाने का मालिक उनसे कुछ काम करवा लेता था। एक दिन एक आदमी सराय खाने में रहने के लिए आया, उसका नाम था सामंत। वह जाति का कुम्हार था, मिट्टी की हांडी, भाड़, कलसी इत्यादि बनाकर वह बेचा करता था। वह सराय खाने में आकर भोजन आदि कर रात में वहीं सो गया। सुबह लोग चलने से पहले सराय वाले को पैसे देते थे, परंतु उसके पास पैसे तो नहीं थे। सामंत ने सुना था कि सराय वाला अत्यंत उदार व्यक्ति है, कोई उसका गुणगान करे तो वह बहुत खुश हो जाता है, तब रुपए पैसे के लिए जुल्म भी नहीं करता है। सुबह सराय से निकलने के समय सामंत ने सराय वाले से कहा, सब लोग आपका गुणगान करते हैं, मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ग्राहकों की सेवा अपने लोगों की तरह करते हैं, साधारण ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर कुछ कम दामी मिट्टी के पात्र हैं, लेकिन उनसे आपका पैसा पूरा नहीं होगा। मेरे पास कुछ रंगीन खड़ियां मिट्टी के टुकड़े हैं, वे सब मैं आपको दे सकता हूँ। सामंत के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सराय वाला मुग्ध हो गया। उसने कहा, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम जा सकते हो। सामंत ने कहा, रंगीन खड़ियां मिट्टी आप रख लें, ये जादुई खड़ियां मिट्टी है, बहुत अद्भुत कार्य होते हैं इसके द्वारा। यह कहकर उसने रंगीन खड़िया मिट्टी से दीवार पर एक पक्षी का चित्र बनाया। पक्षी की देह पर विभिन्न प्रकार रंग लगाने से देखा गया कि वह एक मयूर बन गया है। तस्वीर देखकर सराय वाला बोला, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है तुमने, बिल्कुल मयूर जैसी तस्वीर है। सामंत बोला, और क्या क्या हो सकता है, आगे देखिए, इस तस्वीर मयूर को मैं जीवित कर दूंगा। यह कहकर उसने तस्वीर की ओर देखकर दो बार ताली बजाई। आश्चर्य से ताली बजाने के साथ ही तस्वीर जीवित हो उठी। मयूर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने लगा, उसके बाद दीवार से नीचे उतरकर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। तस्वीर वाले मयूर की नाच देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। तस्वीर भी जीवित हो सकती है, किसी ने जाना सुना नहीं था। सभी लोग सामंत की अद्भुत क्षमता की तारीफ करने लगे। तब सामंत ने कहा, अब देखिए, तस्वीर का जीवित मयूर दोबारा से तस्वीर बन जाएगा। यह कहकर उसने तीन बार ताली बजाई। देखते ही देखते मयूर पहले की तरह दीवार में समाकर चित्र बन गया। सामंत ने सराय वाले को कहा, यह जादू वाला मयूर मैं आपको देकर जा रहा हूँ, जब आप दो बार ताली बजाएंगे तब मयूर दीवार से नीचे उतरकर नाचने लगेगा, जब तीन बार ताली बजाएंगे तब मयूर दोबारा से पहले जैसी तस्वीर बन जाएगा, यह मयूर आपका बहुत उपकार करेगा। मयूर का नाच देखने के लिए आपके सराय खाने में लोगों की भीड़ लग जाएगी। तब एक बात याद रखना, जब इस कमरे में मात्र एक व्यक्ति होगा तो मयूर जिंदा तो होगा परंतु तुरंत मर जाएगा। उसके बाद सामंत सराय वाले से विदा लेकर चला गया। उस दिन से सराय वाले ने अपने ग्राहकों को मयूर का नाच दिखाना शुरू कर दिया। ग्राहक जब भोजन करने बैठते तो वह कहता, देखिए, आप लोगों के आनंद के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाता हूँ, ऐसा खेल आप किसी भी सराय खाने में नहीं देख पाएंगे। यह कहकर वह दीवार की तस्वीर के सामने खड़े होकर दो बार ताली बजाता, तुरंत तस्वीर का मयूर जीवित हो जाता और धीरे से ज़मीन पर उतरकर नाच दिखाने लगता। ग्राहक भोजन करना भूलकर
आश्चर्यचकित होकर मयूर का नाच देखते रहते थे। कुछ देर बाद सराय वाला तीन ताली बजाता, देखते ही देखते नाचता हुआ मयूर दीवार में समा कर तस्वीर बन जाता था। ऐसी आश्चर्य वाली घटना को फैलने में देर नहीं लगती है, जो सुनता अवाक रह जाता। दिन प्रतिदिन सराय खाने में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सब जादुई मयूर का नाच देखने के लिए आते। वे लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लेते, भोजन का पैसा भी पूरा चुका देते, फिर मयूर का नाच देखने का आग्रह करते। सराय वाला तब अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए मयूर का नाच दिखाता। देखते देखते उस उपेक्षित सराय खाने में लोगों का जमघट लगने लगा। सराय वाले का भाग्य जाग उठा, अब वह बहुत अमीर बन गया था। एक दिन रात में एक व्यक्ति सराय खाने में आया। वह दूसरे देश का एक धनी व्यापारी था। उसने सराय वाले को कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे इस सराय खाने में एक जादू के मयूर का नाच होता है, क्या यह सच है? सराय वाले ने कहा, जी बिल्कुल सच है। व्यापारी बोला, मैं मयूर का नाच देखूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें एक थैली सोने की मोहरे दूंगा। सराय वाले ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, और कुछ लोग आ जाएं तो एक साथ सबको नाच दिखाऊंगा। व्यापारी बोला, नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं रहेगा, जादुई मयूर का नाच मैं अकेले देखना चाहता हूँ। यह लो सोने की मोहरों की थैली। एक थैली सोने की मोहरे पाकर सराय वाला बहुत खुश हो गया। कुम्हार सामंत की बात उसे याद नहीं रही। उसने कहा, आप बैठिए, अभी आपको मयूर का नाच दिखाता हूँ। यह जो आप दीवार पर मयूर की तस्वीर देख रहे हैं, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। उसके बाद वह घूम घूम कर नाच दिखाएगा। यह कहकर उसने दो बार ताली बजाई। तभी तस्वीर वाला मयूर हिलने डुलने लगा, लेकिन वह कूद कर जमीन पर नहीं उतरा। ऐसा लग रहा था मानो हिलने डुलने में उसे बहुत कष्ट हो रहा है। धीरे धीरे अत्यंत कष्टपूर्वक वह जमीन पर उतरा, परंतु नाच नहीं सका। खड़े खड़े वह थर थर कांपने लगा। फिर एक तरफ लुढ़क कर उसने प्राण त्याग दिए। पल भर में सारी घटनाएं घट गई। मयूर जमीन में समा कर एक तस्वीर बनकर रह गया। व्यापारी ने झट से सराय वाले के हाथ से मोहरों की थैली छीन ली और क्रोध से गर्जन करते हुए कहा, यही है तुम्हारा मयूर नाच? यही दिखाने के लिए एक थैली सोने की मोहरे ली थी? मुझे क्या तुमने पागल समझा है? यह कहकर वह सराय खाने से निकलकर तेज कदमों से चलने लगा। सराय वाले को कुम्हार सामंत की बातें याद आई। वह अपना सिर पीट पीट कर कहने लगा, क्यों मैं सोने की मोहर के लोभ में पड़ गया? कुम्हार सामंत ने मुझे एक व्यक्ति के सामने मयूर का नाच दिखाने से मना किया था, उसकी बात अनसुनी कर क्यों मैंने सर्वनाश को आमंत्रित किया? अब कोई ग्राहक मेरे सराय खाने में नहीं आएगा। सराय वाले ने बड़ी आशा के साथ कई बार तालियां बजाई, पर तस्वीर वाला मयूर जीवित नहीं हुआ। रात बहुत बीत गई थी। सराय वाला घनघोर नींद में था। तभी हठात एक बांसुरी की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट गई। इतनी रात में उसके दरवाजे पर कौन बांसुरी बजा रहा है? यह देखने के लिए वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। देखा, वही सामंत बांसुरी बजा रहा है। खुले दरवाजे से वह भीतर आया और मयूर की तस्वीर के पास खड़े होकर बांसुरी बजाने लगा। कुछ ही देर में वह मयूर जीवित हो उठा। वह सामंत के पीछे पीछे चलते चलते रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। उसके बाद उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा।